ब्रिटेन के एक पुरुष ने बीती 16 जून को एक बच्ची को जन्म दिया था। इसका खुलासा उसके परिवार ने 6 जुलाई को किया। बर्थ सर्टिफिकेट में पुरुष का नाम मां के तौर पर दर्ज है और पिता के नाम वाला कॉलम खाली है। 21 साल का यह पुरुष वास्तव में महिला के रूप में जन्मा था और बाद उसने अपना जेंडर चेंज करवाया था। बच्चा पैदा करने के लिए उसने फेसबुक की मदद से एक स्पर्म डोनर खोजा था। डोनर की पहचान जाहिर नहीं की गई है। ब्रिटेन के ग्लूसेस्टरशायर में रहने वाले हेडन क्रॉस ने 16 जून को एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम ट्रिनिटी लीप रखा गया है। हेडन का जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था। वह सेक्स चेंज करवाने के लिए हार्मोन थेरेपी ले रहा था। उसे ब्रिटेन में कानूनी तौर पर पुरुष का दर्जा मिल चुका है। इस तरह वह बच्चे को जन्म देने वाला ब्रिटेन का पहला पुरुष बना है।